हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भार नमस्कार। फ्रेंड्स, ये हमारा घर है, घर का छोटा गेट है, उसी के ठीक सामने ये रोड पार करके यहाँ ये हमारा गैरेज है, हमने बनाया है, और फ्लैट है पूरा, उसी में मैंने अपना किचन गार्डन बना रखा है। इधर थोड़ी धूप अच्छी आती है तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ बो देती हूँ, और कुछ थोड़े बहुत फूल भी रख रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा ये गुड़हल का पेड़ है, आपको कई बार दिखा रखा है। और देखिए हमारे किचन गार्डन में क्या क्या लगा है। ये हमारी भिंडी इतनी बड़ी हुई है, हमने भिंडी थोड़ी लेट भी लगाई थी। और उधर हमारी पालक लगी हुई है, और आपको दिखाती हूँ वो हमारे, देखिए अभी भी हमारे यहाँ गुलदाउदी के फ्लावर खिल रहे हैं, वो देखिए, ये देखिए गुलदाउदी के फ्लावर खिल रहे हैं। और इधर रोज़ खिला हुआ है, और ये भी देखिए गुलदाउदी का प्लांट दिखाते हैं आपको, इस पर भी कितनी कलियाँ आई हुई हैं। तो ये देखिए अब ये भी खिल जाएंगे फूल। ये भी देखिए, मैंने कटिंग कर दी थी उसके बाद फिर कलियाँ आ गई गमले में जो लगा रखी थी वो देखिए। और बोगनविलिया हमारा बढ़िया खिल रहा है, ये देखिए। आज आपको हमने सोचा अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें लगा रखा है और क्या प्रोग्रेस है हमारी। यहाँ ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये यहाँ घर बंद करके आना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन आजकल तो फ्रेंड पानी डेली देना पड़ रहा है, बहुत गर्मी है इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको दिखाती हूँ ये हमारे नींबू, आपने देख ही रखे हैं, ये देखिए पूरा इधर झुक गया है। अब की बार उधर कट करा था, पिछली बार बहुत बड़ा होता जा रहा है तो इधर की ओर हो गया, अब की इधर का कट कर देंगे, जब फल हो जाएंगे फ्रूटिंग हो जाएगी तो कुछ नींबू झड़े भी हुए हैं। और आपको फलों में दिखाती हूँ मेरे यहाँ कौन कौन से फल लगे हैं। ये देखिए केला लगा हुआ है, और ये केला की ढाल लगी हुई है, और एक केला तोड़ भी चुके हैं। ये देखिए गिर सा गया है, अब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए फल इसके ले लेंगे। और बाकी जैसे जैसे केले निकलते जाते हैं वैसे वैसे कट करते जाते हैं। तो फलों में आपको केला दिखाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ क्या क्या लगा है। ये हमारे बैंगन लगे हैं, बैंगन खाने भर के खूब निकलते हैं, और तरोई तो कहने क्या है, पूरे ही बाउंड्री कर दी उसने, छेक ली है, और बहुत तरोई निकलती रहती है इसमें। ये हमारा मौसम्बी का पेड़ है, आपने देख रखा है, कई बार मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी फ्रूट्स आए हैं, कितनी बहुत छोटी सी मौसम्बी है। ये देखिए ये मौसम्बी का पेड़ है, और बैंगन दिखाई दिए। और आपको सबसे मेन चीज़ अपनी दिखाती हूँ, अब की बार मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पेड़ों में आम के पेड़ में खूब सारे आम आए हुए हैं। ये देखिए इतने आम लगे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा आम है, दशहरी आम जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, लंबा वाला आम खाने वाला, बहुत बढ़िया आम है। और बहुत ज़्यादा फल तो नहीं आए लेकिन फिर भी आए हैं, जो मज़ा अपने घर के आमों से ऊपर काफ़ी लगे हुए हैं, देखो इनकी तोड़ने की कवायद लंबी होगी। तो ये आम की बार हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और यही आपको अपडेट देने की कुछ ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ खूब फैली हुई हैं। और हमारे यहाँ तो फ्रेंड हम दो लोग हैं तो तुलसा की डेली ही चाय बनाते हैं, क्योंकि बहुत इम्यूनिटी बढ़ाती है तुलसा, सर्दी जुकाम खांसी से दूर रखती हैं, इसलिए तुलसा तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हटाती भी नहीं हूँ, जहाँ जहाँ उगाती हैं वहाँ वहाँ लगी रहने देती हूँ। बैंगन आपको दिखाई दिए हैं, तो यही हमारे किचन गार्डन की अपडेट है। ये देखिए घुमा के दिखा देती, और ये हमारा क्रिसमस घर की तरह ये भी बढ़ रहा है, जब गमले में टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं तो ज़मीन पे लगा देती हूँ, ज़मीन पे देखिए धूप धूप मिली, और ये देखिए आँख खुला वातावरण बड़ा, ये भी कितना बड़ा हो गया है। और पीछे बैंगन के पेड़ कुछ और भी लगा रखे हैं, बैंगन के पेड़, और ये नींबू दिखाई दिया आपको। बस यही हमारी किचन गार्डन छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आपको दिखाने के लिए,
ये वाइट वाले गुड़हल हैं, देखिए इधर ही रख रखे हैं, धूप इधर ज़्यादा रहती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे किचन गार्डन की अपडेट ठीक लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।